जी शामली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर ईवीएम मशीन खराब होने के बाद मतदाताओं ने जमकर हंगामा किया। ईवीएम मशीन घंटों खराब रही, जिसके बाद मतदाताओं ने पोलिंग बूथ पर हंगामा किया। इसके बाद सेक्टर मजिस्ट्रेट ने समझा बुझाकर ये पूरा मामला शांत कराया। मतदाताओं ने सुनवाई न होने का भी इस दौरान आरोप लगाया है। शामली विधानसभा के गांव रामपुर खेड़ी का ये पूरा मामला, जहां पर ईवीएम मशीन खराब हो गई, जिसके बाद मतदाताओं ने भारी आक्रोश जताया। वहां पर जमकर हंगामा किया गया। मतदाताओं ने कहा कि लंबी लाइनों में पर मौजूद है वरुण, इस वक्त क्या स्थिति है? ईवीएम मशीन खराब हुई थी, क्या दुरुस्त हो पाई है? क्योंकि वहां मतदाता पोलिंग बूथ पर मौजूद है, नाराज है, हंगामा कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जो मशीन खराब हुई थी, तकरीबन दो घंटे तक ईवीएम में दिक्कत रही, मतदाताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब जो है जो टेक्नीशियन थे वहां पर पहुंचे और मशीन को जो है चला दिया गया है और मतदान सुचारू रूप से जो है चालू हो गया है। लेकिन तकरीबन दो घंटे जब मतदान जो है बाधित रहा, उससे मतदाताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और कुछ मतदाता जो है वापस भी निराश होकर वहां से लौटे। जी ये वाकई अपने आप में विडंबना है कि अगर मतदान करने के लिए मतदाता वहां पर पहुंचे और तकनीकी खामी या किसी खामी की वजह से वो वापस लौटता है तो ये ठीक नहीं है। हालांकि चुनाव आयोग ने सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, कुछ जगहों पर तकनीकी खामी जरूर आती है, हर बार मशीन है उसमें गड़बड़ी होती है, इसी वजह से शाम 6 बजे तक के लिए मतदान की व्यवस्था की गई है और जो 6 बजे तक कतारबद्ध हो जाएगा वो उसके बाद भी मतदान कर पाएगा, लेकिन 6 बजे के बाद कोई अगर कतार में शामिल हो तो नहीं हो पाएगा। हम भी अपील कर रहे हैं कि कुछ दिक्कतें अगर हुई हैं उसके बावजूद वहां मतदान के लिए जो मतदाता पहुंचे थे वापस लौटे, वो जरूर वहां से लौटे। तो सेक्टर मजिस्ट्रेट समझा बुझाकर मामला शांत कराने में सफल रहे हैं, क्योंकि वहां पर मशीन खराब हुई थी और लगभग दो घंटे, जैसा मेरे सहयोगी वरुण बता रहे हैं कि मतदान वहां पर बाधित रहा। तो उसमें कुछ मतदाता ऐसे हैं, क्योंकि अब दोपहर का वक्त और इस वक्त लोग अपने भोजन के लिए वापस लौटते हैं आराम के लिए, तो उसमें थोड़ा सा गिरावट हमने देखा है कि हर बार ऐसा होता है इस मौसम में, लेकिन उसके बाद फिर से एक बार कतार बढ़ती है। इस बार भी कुछ वैसा ही होगा, उम्मीद कर रहे हैं।